नाम नहीं काम बोलता है और काम से ही नाम होता है और कुछ यही काम बोल रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नितिन गडकरी का काम 2014 में बोला, 2019 में भी बोला, और जब उन्हें मोदी सरकार की खिलाफत करनी होती है वो कोई चाटुकारिता नहीं करते हैं, सीधे सीधे बेबाक बात बोलते हैं कि जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। बहुत से बयान थे जिसके बाद से इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नितिन गडकरी को शायद इस बार बीजेपी PM पद के लिए आगे कर दे, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया और धीरे अब देखिए सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार 2.0 भी नाम दिया गया है। फिलहाल अब नितिन गडकरी जिस तरह से काम कर रहे थे, 2014 में उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सौंपी गई थी, यानी कि जिस तरह से उन्होंने हाईवे और सड़कों का निर्माण करवाया है अपने कार्यकाल में, बहुत बेहतर काम किया है, उनके काम में शायद PM मोदी भी नुक्स नहीं निकाल सकते, कमियां नहीं निकाल सकते। 2019 में भी उनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ साथ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का भी जिम्मा सौंपा गया है, यानी कि वो इतने बेहतरीन नेता हैं कि वो एक नहीं वो 10 काम भी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी बहुत बेहतरीन नेता हैं, लेकिन वीडियो उनका सामने आया जिसने उनको बहुत परेशान कर दिया होगा। इस वीडियो से कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की नींदें उड़ गई होंगी और शायद उनकी सिट्टी पिट्टी भी कहीं ना कहीं जो है गुल हो गई होगी, क्योंकि वीडियो अगर फेक हो तो जाहिर सी बात है किसी भी नेता की जो छवि खराब हो जाती है, और नितिन गडकरी इतने बेहतरीन नेता हैं, जाहिर सी बात है वीडियो सामने आएगा तो उनकी छवि तो खराब होगी ही होगी। मैं आपको बताती हूँ आखिर खबर क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है बीजेपी के कुछ नेताओं ने, दो नेताओं ने किया, और अब उनको ये करना भारी पड़ गया है और उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। और दोनों नेता महाराष्ट्र के नागपुर से हैं और इन दोनों नेताओं की फ़ोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, और उसके बाद बीजेपी ने फैसला किया, इन दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऑडियो की बताती हूँ, ऑडियो में आखिर क्या है। ऑडियो में जिन दो नेताओं की आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें जयहरि सिंह ठाकुर और अभय तिड़के शामिल है, और रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो में दोनों नेता लोकसभा चुनाव में गडकरी की हार के बारे में बात कर रहे हैं। नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले से हारने वाले हैं, और इस ऑडियो में दोनों नेता केंद्रीय मंत्री यानी कि नितिन गडकरी को अपशब्द भी बोल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के ही नेता, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मैं हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, तो कुछ यही हाल हर सियासत में हमेशा देखा जाता है कि विश्वासघात वहीं होता जहाँ विश्वास होता है। और ऐसे में जब पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता को हराने की बात कर लें तो सोचे फिर विरोधियों की ज़रूरत है। जब घर में ही आपने दुश्मन पाल रखे हैं तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत क्या है। कुछ यही नितिन गडकरी के साथ हो रहा था, और ऐसे में अब बीजेपी ने एक्शन लिया है, दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसे नेता की छवि को ख़राब किया जा रहा है जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर वो बेबाक बोलते हैं, अपनी कार्यशैली से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को साबित किया है, बहुत से लोग उनकी खिलाफत करना चाहते थे, लेकिन नितिन गडकरी ने काम से अपना जवाब दिया है कि मेरा काम बोलता है, कोई बोल के तो दिखाए, उनका काम बोलता है। आप अगर जाइए हाईवे देखिए, आप सड़कें देखिए किस तरह से उन्होंने काम किया है। जाहिर सी बात है उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी सड़कों का निर्माण कराया, कई किलोमीटर तक उन्होंने सड़कों को जोड़ा है। हाईवे का आप हाल देख लीजिए, जहाँ पर एक वक्त सड़कों पर गड्ढे हुआ, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें 5 साल में बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। जब 60 साल कांग्रेस ने शासन किया तो अब बदल नहीं जाएंगे, धीरे धीरे बदली हैं, लेकिन हाँ, एक बतौर केंद्रीय मंत्री होने के नाते नितिन गडकरी ने बहुत बेहतर काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यों को बढ़ाया है, और वो फालतू की उलझुल बयानबाजी भी नहीं करते थे ना करते हैं। उनको आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह से कहीं भी कुछ भी बोलते हुए, बहुत शांत और बहुत धीरज वाले नेता हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ही शांत होकर अपना काम करते हैं। उनको फालतू की विवाद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें पॉपुलैरिटी पाने के लिए। उनका काम इतना बोल रहा है कि उनको अपने आप पॉपुलैरिटी मिल रही है, और नागपुर से सांसद हैं, उससे पहले 2014 में भी सांसद थे। और ऐसे मैं आपको बता दूँ, 2014 में इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें नितिन गडकरी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1,97,000 वोटों से हराया है। आप खुद सोचिए कि उनका कितना दबदबा है नागपुर में। उसके बाद वो RSS से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको 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 उनके खिलाफ कुछ भी करना इतना आसान नहीं होगा। और अक्सर हम देखते भी हैं सियासत में कि बहुत से नेताओं के ऑडियो वायरल होते हैं, बहुत से नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं सिर्फ और सिर्फ छवि ख़राब करने के लिए। हालांकि इस ऑडियो में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उनको हराने की बातें कही जा रही थी कि वो हार जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ जिन्होंने भी साजिश की उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है,
और ऐसे में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता अगर बेहतर काम करता है तो उसकी छवि को हर कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, और ऐसे में नितिन गडकरी को शायद ये ऑडियो इस ऑडियो ने बहुत परेशान किया होगा, लेकिन अब शायद वो इस परेशानी से आगे आ गए होंगे क्योंकि वो हैं इतने बेहतरीन नेता, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उनके काम की तारीफ़ करेगा ही करेगा। और जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद से बीजेपी की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के नेता ही अपने ही केंद्रीय मंत्री की छवि को ख़राब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में जिन नेताओं के मैंने नाम बताए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो गया है, और फिलहाल अब देखना होगा बीजेपी आगे और क्या एक्शन लेती है ऐसे नेताओं के खिलाफ। नमस्कार।